हेलो गाइस, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एंड टुडे वी हैव दिस 2021 ऑल न्यू सियाज, और ये अल्फा मैनुअल वेरिएंट है गाड़ी का, जो टॉप वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो आज इस गाड़ी का हम डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये टॉप वेरिएंट की जो सियाज है क्या क्या फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज सफिशियंट फॉर द सेडान लाइक दिस। और बात करें हेडलाइट्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है जो व्हाइट कलर की लाइट है, बहुत ही ब्राइट है। और यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिलती है, स्मोक टाइप की भी आपको डिज़ाइन मिलती है, तो अच्छी दिखती है ये हेडलाइट। और फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं, डिज़ाइन थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी इन दिस फेसलिफ्ट कंपेयर टू अर्लियर सियाज। यहाँ पर आपको फोग लाइट के नज़दीक भी क्रोम वर्क देखने को मिलता है, फोग लाइट्स पे आपको LED मिलती है जैसे आपको XL6 में ऑफर की जाती है। तो ये जो ग्रिल की डिज़ाइन है दोस्तों, थोड़ी सी छोटी लगेगी साइज में। अगर आप स्टार्टिंग वाली फर्स्ट जनरेशन वाली सियाज देखो तो उसकी थोड़ी सी ग्रिल बड़ी थी और पूरी आपको क्रोम में मिलती थी, पर ये अच्छी दिखती है। और स्मोक वर्क दिखेगा तो हेडलाइट्स बहुत ही बढ़िया दिखती है, और डे टाइम रनिंग लाइट जो है रात को बहुत ही बढ़िया दिखती है। अगर आप सियाज फर्स्ट जनरेशन वाले देखो तो उसमें आपको DRS नहीं मिलते थे, पर ये वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। और प्रोजेक्टर सच में मुझे अच्छे लगे दोस्तों, क्योंकि व्हाइट कलर की लाइट है जो बढ़िया दिखती है। यहाँ पर फोग लाइट्स आपको ऑब्वियसली इस तरह से मिलते हैं, जो आपको जनरली विटारा ब्रेजा में कहूंगा और XL6 दोनों में मिल जाते हैं। और रेडिएटर ग्रिल भी आप देख सकते हैं, पूरी आपको यहाँ पर ब्लैक फाइबर में मिलती है। तो ये सुजुकी की लोगो और जो ऊपर और नीचे आपको थोड़ा सा क्रोम वर्क मिलता है, उसकी वजह से जो ग्रिल है वो बढ़िया दिखती है और अच्छी दिखती है। यहाँ पर आपको ORVMs पर टर्न लाइट इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है ये ORVMs। यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है और क्रोम के डोर हैंडल। और रियर साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टेल लाइट है इसमें भी आपको LED देखने को मिलती है, LED लुक क्वाइट गुड, रात को बहुत ही बढ़िया दिखता है। और ये जो दो स्ट्रिप्स है जैसे हाई एंड गाड़ियों में आपको मिलते हैं, उसी तरह के मिलते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है आपको, यहाँ पर कोई भी वेरिएंट शो नहीं किया जाता, चाहे आप कौन सा वेरिएंट ले, मारुति की आजकल की गाड़ियों में आपको वेरिएंट शो नहीं होता। यहाँ पर हम बात करें गाड़ी के टायर साइज के, तो आपको 195/55 R16 के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिलते हैं, और सिल्वर फिनिश में है, सिंगल टोन में आपको इस तरह के एलॉयज मिलते हैं, बहुत सारे स्पोक्स डिजाइन है इसको। और फ्यूल लीड की बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में मिलती है, जैसे ही मारुति की हर एक गाड़ी में, बाकी की भी मिल जाती है आपको। और रियर साइड आपको दिखाएंगे और क्या क्या, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, इसके अराउंड भी आपको क्रोम स्ट्रिप मिलती है, चार सेंसर्स मिलेंगे इस गाड़ी में। जो बॉडी कलर है दोस्तों, टो हुक मिलेगा नीचे से और सिंगल एग्जॉस्ट देख सकते हैं राइट साइड में। तो रिफ्लेक्टर्स के साइड में जो क्रोम वर्क है वो भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। सियाज की आपको यहाँ पर क्रोम में बैजिंग मिलेगी जो अच्छी दिखती है, सुजुकी की भी आपको बैजिंग मिलेगी, और उसके नीचे आपको एक क्रोम स्ट्रिप भी मिलती है। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड तो मैंने आपको दिखा दिया, सिल्वर और ब्लू ड्यूअल फिनिश में आपको मिलती है। और यहाँ पर नंबर प्लेट जो लाइट है वो आप देख सकते हैं, येलो कलर की लाइट है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो आपको रिवर्स कैमरा भी यहाँ पर मिलता है, तो टॉप वेरिएंट में आपको सब पहले से ही मिल जाता है दोस्तों। और देखिएगा रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह है यहाँ पर, तो ये है कैमरा। इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी रहती है, क्योंकि मारुति से जो आपको मिलता है वो कैमरा ऑलवेज बढ़िया रहता है कंपेयर टू आफ्टर मार्केट जो आप प्रीफर करते हैं। यहाँ पर आपको डिफॉगर्स भी मिल जाते हैं, रियर वाइपर तो इस तरह की गाड़ियों में नहीं मिलता। यहाँ पर आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, नॉर्मल टाइप का एंटीना है, शार्फिन नहीं है, और ए पिलर वगैरह आपको गाड़ी के कलर का ही मिलता है। तो कुछ इस तरह से गाड़ी की दोस्तों एक्सटीरियर कैसा लगा आपको, आप मुझे बोल सकते हैं। मुझे तो ये फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया लगी। बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में कितना है। तो इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 510 liters का बूट स्पेस मिलता है, विच इज क्वाइट गुड, और इसके सेगमेंट में अच्छा है मैं कहूंगा। अगर आप मारुति की इससे छोटी गाड़ी जो है डिजायर सेडान, डिजायर में अगर थोड़ा सा कम रहता है, ये गाड़ी में आपको क्वाइट गुड बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर होता है आपका जैक और स्पेयर व्हील देखिएगा, तो स्पेस बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा सामान जाएगा गाड़ी में। बात करें गाड़ी के इंजन की वगैरह, तो पहले मैं आपको दिखाऊँ तो ये है बैटरी फ्यूज बॉक्स अगर आप देख सकते हैं। तो इस गाड़ी में जो इंजन है दोस्तों वो है 1.5 liter यानी 1462 cc का K15 स्मार्ट हाइब्रिड 4 cylinder BS6 पेट्रोल इंजन। इस इंजन की मैक्सिमम पावर की बात करें तो यह है 103.25 bhp @6000 rpm, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो वो है 138 Nm @4400 rpm। ARI माइलेज की बात करें तो ये जो कंपनी क्लेम करती है वो है 20.65 km/L, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 43 लीटर्स की पेट्रोल फ्यूल टैंक मिल जाती है। तो ये कुछ इंजन के स्पेसिफिकेशन है ये नई वाली सियाज के। तो देखिएगा 1.5 लीटर का ये जो
पेट्रोल इंजन है, दिस इज क्वाइट गुड। और इसमें आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का भी फीचर मिलता है और रिजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह है। तो गाड़ी का एक्सटीरियर और इंजन तो देख लिया, अभी हम इंटीरियर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की कीज दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको दोनों कीज मिलती है, कीलेस एंट्री है आपको यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप और ये बूट खोलने के लिए। तो ये तीन स्विचेस आपको मिलते हैं, दोनों कीज आपको ऐसे फंक्शनेबल मिलती है। और यहाँ पर क्रोम में सुजुकी की लोगो भी मिलते हैं, बैटरी वगैरह होता है। तो कीज आप इधर यहाँ पर ऐसे रख भी सकते हैं। बात करें सबसे पहले गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं ओवरऑल आपको यहाँ पर ब्लैक स्टेयरिंग मिलता है। और ये मुझे जो अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी आपको यहाँ पर क्रोम में स्ट्रिप मिलते हैं, विच लुक्स क्वाइट गुड। वरना ज्यादातर तो स्टेयरिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट पूरे ब्लैक होते हैं। यहाँ पर आपको एयरबैग मिलेगा और ये थोड़ा सा सिल्वर वगैरह होता तो अच्छा, पूरा आपको यहाँ पर डार्क में मिलता है। टॉप वेरियंट में आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल की ऑफर किया जाता है, तो क्रूज के कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एनफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है और ब्लूटूथ वॉइस ये सब आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी क्रोम में इस तरह से डिटेलिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल इस तरह से है ये स्टेयरिंग, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, देखिएगा जो अपने हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। हियर यू हैव हेडलाइट कंट्रोल्स एंड हियर यू हैव वाइपर कंट्रोल्स। तो बात करें इस गाड़ी के डोर इंटीरियर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ड्यूअल टोन में डोर इंटीरियर्स देखने को मिलता है दोस्तों, ब्लैक और ये कलर है। और यहाँ पर वुडन फिनिश है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर है उसी तरह सी फिनिशिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो जैसे ये दरवाजा बंद होता है तो ये जो होता है ये आपको कट टू कट फिनिशिंग लगती है, ये भी आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश। बात करें यहाँ पर डोर हैंडल्स की, तो क्रोम में डोर हैंडल्स मिलते हैं। लॉकिंग वगैरह आप देख सकते हैं उतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है जैसे गाड़ियों में मिलता है बाकी की। यहाँ पर ORVM के कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पर हाथ रखते आप गाड़ी का दरवाजा बंद भी कर सकते हैं। बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट है, स्पीकर है यहाँ पर। और ये अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग मुझे अच्छी लगती है, दिस लुक्स क्वाइट गुड। और बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में है, तो एक्सीलरेटर, ब्रेक और यहाँ पर क्लच है। यहाँ पर इससे आप बोनेट खोल सकते हैं गाड़ी का, और बूट खोलने के लिए जो लीवर होता है वो आपको यहाँ पर दिया रहता है। कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि जो लीवर होता है वो यहाँ पर दिया होता है, पर यहाँ पर मैं आपको दिखा होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली आपको फ्यूल लीड खोलने के लिए लीवर मिलता है। ये स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आप हेडलाइट की रेंज सेट कर सकते हैं दोस्तों, जैसे अभी 2 पर है तो ये 4 पर मैक्सिमम कर सकते हैं और मिनिमम 0 पर जाएगी। यहाँ पर फॉग लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर से आइडियल स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, और ये ब्लैंक स्विच है, तो एडिशनल कुछ आप डालते हो तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पर स्विच मिलता है। यहाँ पर इसमें कुछ आप सामान वगैरह रख सकते हैं, एसी वेंट ऑब्वियसली यहाँ पर होता है, तो इसको भी आप ऐसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर दो नॉब्स दिए रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो नॉब होता है इस पर आप जो गाड़ी की जो रेंज ये सब माइलेज ट्रिप मीटर ये आप देख सकते हैं, और ये जो होता है इस पर आप जो गाड़ी में टाइमिंग वगैरह होता है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाकी का जो आरपीएम मीटर है, जो स्पीडोमीटर है, वो आपको डायल के जिस टाइप में देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आरपीएम मीटर। यहाँ पर आपको इंजन की कूलिंग पता चलती है, मतलब कितना इंजन गर्म हुआ वो आप देख सकते हैं। फ्यूल आपको यहाँ पर पता चलता है, स्पीड पता चलती है, और यहाँ पर आप बाकी का सब देख सकते हैं, जैसे कि कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, क्या कुछ है ये देख सकते हैं, टाइम वगैरह, टॉर्क, पावर ये सब आप देख सकते हैं, रिजनरेटिव ब्रेकिंग का भी यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखे तो दोस्तों गाड़ी बहुत ही अच्छी है, मैं कहूंगा दिस इज अ टॉप वेरिएंट व्हिच वी आर गेटिंग। तो बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ड्यूअल टोन में इंटीरियर देखने को मिलता है। ज्यादातर मारुति की गाड़ी अगर हम बात करें सीडान सेगमेंट की, डिजायर में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। तो डैशबोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से क्वाइट स्ट्रेट यहाँ पर डैशबोर्ड मिलता है, अच्छा दिखता है मैं कहूंगा। एसी वेंट्स की साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं पोजीशन भी अच्छी है, मैं कहूंगा यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स मिलते हैं, ये साइड में एक भी है दोस्तों और ड्राइविंग साइड में भी एक है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको वुडन टाइप में टेक्चर देखने को मिलता है दोस्तों, और यहाँ पर आप बात करें तो ये देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर आपको सिल्वर कलर ऐसी स्ट्रिप मिलती है, और इसके नीचे आपको ये वुडन फिनिश भी देखने को मिलता है। और बाकी का इंटीरियर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लाइट कलर में है। यहाँ पर बात करें ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको जैसे नेक्सा की मैं कहूंगा या फिर बाकी जो मारुति की गाड़ियों में मिलता है उसी तरह का इन्फोटेनमेंट मिलता है, यूज करने में बहुत ही इजी होता है। ये टच है, और यहाँ पर भी स्विचेस आप देख सकते हैं जैसे कि ऑन ऑफ, वॉल्यूम, म्यूट और ये सब सेटिंग वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर फंक्शंस मिल जाते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग बहुत इजी है। यहाँ पर आपको ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल भी मिलता है, और ये देख सकते हैं ऐसा आपको इस तरह का डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर सब एसी के नॉब मिलते हैं, यहाँ पर दो इस तरह से डायल गेजेस भी मिलते हैं, तो यहाँ पर बाकी के बटन आपको मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पर गियर की, तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स मिलता है, तो फ्रंट 5 और एक रिवर्स, टोटल 6 गियर है गाड़ी में। यहाँ पर आपको यूएसबी और ऑक्स लगाने के लिए प्रोविजन है, यहाँ पर डीसी चार्जिंग सॉकेट आप लगा सकते हैं दोस्तों, और ये आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है। अभी हमने सामान रखा है, तो चाबी वगैरह गाड़ी की आप यहाँ पर रख सकते हैं, और ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं। हैंडब्रेक आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा डार्क कलर में हैंडब्रेक देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पर अमरेज की, तो जैसे यहाँ पर सीट कवर्स है उसी तरह का आपको यहाँ पर अमरेज मिलता है सेम कलर में, और आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं अच्छी खासी आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, कुछ सामान आप छोटा सा रख सकते हैं इसमें।
और यहाँ पर बात करें तो ये देख सकते हैं आप, डोर पॉकेट वगैरह होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी डैशबोर्ड पर आपको पॉकेट मिलता है, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। SRS के एयरबैग्स है, यहाँ पर बेजिंग है, ज्यादातर गाड़ियों में हम देखें तो यहाँ पर होते हैं डैशबोर्ड पर, यहाँ पर उड़न टेक्चर पर आपको इस तरह से दी गई है, और ये जो उड़न जो टेक्चर है वो यहाँ पर इस तरह से फॉलो होता है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डोर जो है वहां पर भी ये सिल्वर फिनिश और ये उड़न फॉलो होता है। बात करें यहाँ पर इनसाइड रियर व्यू मिरर जिसे IRVM कहते हैं, तो यहाँ पर ऑटो मोड भी होता है, इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इस तरह से वाइड व्यू मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट से गाड़ी में, तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये साइड में जो एडजस्ट होता है, तो इसको वैनिटी मिरर भी होता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, देखिएगा इस तरह से, और ये देखिएगा इस तरह से लाइट्स मिलती है जो येल्लो है, और आप जब चाहे तब इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस पर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ड्राइविंग साइड छोड़ के दोस्तों सभी साइड में आपको ग्रैब हैंडल इस तरह से मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें गाड़ी के स्पेसिंग की वगैरह कहूंगा क्योंकि सफिशियंट है सेडान सेगमेंट में। बात करें यहाँ पर सेकेंड रो की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इस तरह से ड्यूअल टोन में डोर इंटीरियर देखने को मिलता है, वुडन फिनिश और ये सब सिल्वर जैसे आगे है वैसे ही यहाँ पर सब बटन होल्डर स्पीकर वगैरह ये सब है गाड़ी में। और स्पेस की बात करें तो अभी जो ड्राइविंग वाला सीट है वो मैंने दोस्तों मैक्सिमम जितना हो सके उतना आगे किया है, उतना करने के बाद आपको इतना सफिशियंट रूम मिलता है, विच इज क्वाइट गुड मैं कहूंगा। यहाँ पर भी आपको इस तरह से सीट कवर्स के अंदर पॉकेट्स मिलते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो आपको छोटे से दो AC वेंट्स मिलते हैं, बोथ आर कनेक्टेड, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए लगाते हैं, तो आप मोबाइल यहाँ पर रख सकते हैं। आर्मरेस्ट तो यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको भी आर्मरेस्ट मिलता है, दो कप होल्डर्स है, तो दो बंदे बैठते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाथ रख के बैठ सकते हैं, तीन बंदे बैठते हो तो आपको ये फोल्ड करना पड़ेगा। सीट बेल्ट आपको मिलते हैं, और दो यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं। हेडरेस्ट की बात करें तो दोस्तों आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, देखिएगा तो एडजस्टेबल है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा और एक बात मुझे अच्छी लगी कि ज्यादातर गाड़ियों में जो यहाँ पर लाइटिंग होती है वो फ्लोर में यहाँ पर होती है, रूफ में यहाँ पर, लेकिन ये गाड़ी में आप देखते तो यहाँ पर होते हैं, तो इसको भी आप इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखिएगा तो दोनों साइड से है, ये साइड में भी है और ये होता है ग्रैब हैंडल। और ये स्पेस की बात करें तो दोस्तों डिजायर वगैरह होती है, उसका दरवाजा थोड़ा सा छोटा होता है। एक गाड़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वाइड लगता है, तो अच्छा और स्पेशियस लगता है गाड़ी में सेकेंड रो में। तो बात करते हैं गाड़ी के ब्रेक्स की, तो फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क टाइप के ब्रेक्स मिलेंगे, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। सस्पेंशन की बात करें तो इस गाड़ी में फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और रियर में टॉर्शन बीम टाइप का। अभी बात करेंगे गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि गाड़ी का वो है 170 mm, ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की 4490 mm, विड्थ है गाड़ी की 1730 mm, हाइट है गाड़ी की 1485 mm, व्हीलबेस है इस गाड़ी का 2650 mm, GVW मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट है गाड़ी का 1520 kg, और इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है दोस्तों 5.4 meters। तो कैसे लगे आपको ये फेसलिफ्ट वाली सियाज आप मुझे बोल सकते हैं, और क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में अच्छे लगे और क्या कुछ आपको मिसिंग लगे वो भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये है टॉप वेरियंट, अगर आप इसके नीचे का जो जिटा वगैरह वो वेरियंट लेंगे तो थोड़े से फीचर्स आपको मिसिंग लगेंगे, लेकिन ये टॉप वेरियंट है तो इसमें आपको फुल्ली लोडेड है ये गाड़ी, जो जो फीचर्स आपको सियाज में मिलेंगे वो आपने अभी यहाँ पर देख लिए। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जहां पर हम कार्स और हैवी व्हीकल्स के ऊपर भी ब्लॉग्स बनाए, तो नई गाड़ियों के आपको हिंदी में रिव्यूज भी देते हैं। तो आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके अलावा कौन सी गाड़ी रिव्यू चाहिए दोस्तों आप जरूर बोलिएगा, आपके लिए वह गाड़ी का भी रिव्यू लाने की हम कोशिश करेंगे। सो टिल दैट टेक केयर, स्टे सेफ, और अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।